तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग की। देखिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ पे करते हैं, आपने कलर कर दिया, बॉर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो सही है। कस्टम फॉर्मेटिंग ये होता है कि हम टाइप कुछ और करें और शो कुछ और, टाइप हम कुछ और करें और शो कुछ और। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि मैं यहाँ पे 1500 टाइप करूं बट शो हो MRP 1500, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने इस तरह से टाइप शो हो रहा है तो टाइप किया मैंने, मतलब कि इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए एरर आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट ऐड नहीं होता है। इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हुई कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट ऐड किया तो वो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है, नंबर्स हो जाती है। इसका सलूशन था कि मैं यहाँ पे 1500 लिखूं और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाके मैं यहाँ पे 12 सॉरी माफ कीजिएगा, इनऑर्डर को मामे MRP और यहाँ पे जीरो या हैश दे देंगे। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि जीरो हैश देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं जीरो और हैश ना दूं तो क्या होगा, वो सिर्फ आपका MRP शो करेगी, आपके नंबर शो नहीं होगा। इसलिए जीरो और हैश देना जरूरी है। अब जीरो हैश में क्या फर्क है, देखिए मैं एक डालते तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे दो डालते हो या दो से ज्यादा डालते हो तो उसमें फर्क ये होता है कि 5 डाला तो यहाँ देखिए 05 हो गया, डिजिट को मेंटेन कर दिया, बट हैश जो है ऐसा नहीं करता है, हैश डिजिट को मेंटेन नहीं करता है। इसका फायदा हम चेक नंबर वगैरह में लिख चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि चेक नंबर इस तरह से है और इसमें जीरो और इसमें आगे जीरो नहीं लगा, क्योंकि जनरली जो होता है वो सिंगल कोट में 0 0 0 और इस तरह से होता है, तो उस केस में हम यहाँ कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो डालेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। सेम मैंने बताया था आपको कि जो मोबाइल नंबर है उसमें +91 लगाने पे आपका नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है इस तरह का। अब चाहते कि नहीं +91 ऑटोमेटिक लग जाए, तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि कस्टम में जाते हैं और +91 दे दीजिए, 10 या हैश, एक हैश दे दीजिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करूंगा तो देखिएगा +91 ऑटोमेटिक लगा देगा। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जैसे मीटिंग आईडी है हमारा, और मीटिंग आईडी में अगर मैं हर 3 डिजिट के बाद डैश हो तो 0 या हैश लगाइए, और हर 3 डिजिट के बाद स्पेस या डैश जो भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। ये थोड़ा सा पीछे का है तो मैं रिपीट कर देता हूँ फास्ट ट्रैक में, ठीक है। तो 7 8 9 6 9 1 2 3 हट गया। देखिए यहाँ एक चीज और है कि जैसे कि अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर में अपने अगर 11 डिजिट डाला तो नंबर दिख जाएगा, जैसे 12 डिजिट उससे ज्यादा डालेंगे तो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट कस्टम में जाके एक हैश को यूज करना है, ओनली फॉर हैश आप देखिए नंबर शो कर जाएगा, लेकिन 15 डिजिट तक के। यहाँ पे अगर आपने 15 के बाद कोई भी डिजिट डालोगे तो 0 बन जाएगा, जैसे मैं 4 डाला 40 बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल में 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए 15 डिजिट को नंबर को नंबर फॉर्मेट में डालेंगे। अगर 15 डिजिट के बाद कुछ डालते हैं तो आपका साइंटिफिक स्पेन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ज्यादा नंबर है तो आप हमेशा सिंगल कोट लगा के लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गलती से भी इसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा नंबर में, अदरवाइज नंबर के बाद का जो 15 डिजिट के बाद का जो नंबर्स होंगे वो आपको सारे के सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और है, जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, अब क्रेडिट कार्ड नंबर में अगर मान लीजिए कि मुझे लास्ट 4 डिजिट ही मुझे शो कर रहा है इस तरह से 7 4 1 2 और बाकियों में मुझे XXX फिर XXX और यहाँ पे 4 5 1 2 देना है, तो इस तरह का मैं चाहता हूँ कि मैं 8 डिजिट लिख दूं और ये जो एक्स वाला सिस्टम है वो अपने आप लग जाए। तो यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट आते हैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हैश 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 नहीं माफ कीजिएगा पहले
1, 2, 3, 4 जीरो या हैश दे दीजिए और फिर इन्वर्टर घुमा में एक्स 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 फिर स्पेस एक्स 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 और फिर स्पेस देके आप 1, 2, 3, 4 टाइम जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब इसी चीज के लिए हमने एक आर्टिकल शो किया था। अच्छा, आर्टिकल सबको शो किया था, किसी को नहीं मिला था? मुझे नहीं मिला सर, मेरा तो अभी अभी स्टार्टिंग है। मुझे भी नहीं है सर। ठीक है, मैं दे देता हूँ आर्टिकल। कस्टम फॉर्मेट एक आर्टिकल है, आप लोग इस क्लास के बाद उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ईमेल आईडी आप लोगों की है? प्रशंसा कौन सा है? सिंह प्राशु वाला होगा सर, SINGH SINGH थर्ड नंबर। और चिंतू क्या आपकी? भगवान दास 1158 चैट कर देंगे इसके ऊपर। ओके सर। तो मैं आर्टिकल को खोल लेता हूँ। अब इस आर्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या है, उसको एक बार समझ लेते हैं ताकि आप लोग भी अप्लाई कर लें। तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कर रहा है, आपने व्हाट्सएप कर दिया है। अच्छा, इसका इसका भी चैट होता है तो चैट पे भी आप दे सकते थे। अच्छा, मैं कोई बातें में लिख देता हूँ। हाँ है तो भेज दिया सर, मैंने भी नाम डाला है चैट की। क्या हुआ ना सर? हुआ क्या? क्या मैंने भी लिखा है, आ गया क्या? हाँ आ गया, भेज दे रहा सुरेश जी ना। देखिए इसमें आर्टिकल मैंने भेजा है, उसको पढ़िएगा फिर मैं समझा देता हूँ क्या आर्टिकल। जैसे कि आर्टिकल में सबसे पहले बता रहा है निगेटिव पॉजिटिव जीरो एंड टेक्स्ट, राइट? और अभी अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि एमआरपी 1500 है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ एमआरपी में नंबर शो करना चाहता हूँ, एक्चुअल टेक्स्ट ना हो, तो हमने यहाँ पे एमआरपी और हैश किया, राइट? तो जो एमआरपी आया, अगर मान लीजिए मैं इसमें माइनस अगर 1500 लिखूं तो माइनस एमआरपी 500 दिख रहा है ना। मैं चाहता हूं माइनस में डिस्काउंट दिखे, समझे? तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि आप सेकंड पोजीशन में जो डालेंगे वो बाय डिफॉल्ट हमारा नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सेमी कॉलम उसका सेपरेटर होगा। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डाला और यहाँ पे डालता हूँ DIS काउंट इन्वर्टेड कॉमा में और उसके बाद हैश हैश या जीरो जीरो। माइनस लगाना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं प्लस में नंबर लिखूंगा तो एमआरपी शो करेगा और माइनस में कोई नंबर लिखूंगा तो क्या शो करेगा? डिस्काउंट शो करेगा। क्लियर है सर? क्वेरी था, कभी आप जीरो लिखते हैं कभी जीरो जीरो लिखते हैं, तो मतलब ये मैंने आपको समझाया ना अभी थोड़ा देर पहले कि आप अगर जीरो देते हैं जैसे यहाँ पे देखिए ना, जीरो अगर लगाते हैं तो जितना डिजिट मिसिंग होगा ना उतना जीरो वो आगे लगा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 जीरो लगाया हुआ है तो यहाँ देखिए 3 जीरो आगे लगा दी। हैश में ऐसा नहीं होता है, तो हैश या जीरो आपको लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाएंगे तो आप जो इन्वर्टर कॉमा में चीजें टाइप करेंगे ना वही शो करेगा, आपका नंबर नहीं शो करेगा। नहीं, तो अभी एमआरपी जीरो लिखा है और एमआरपी जीरो जीरो है। मैं बात खत्म नहीं किया, मैंने बताया कि जीरो कहीं भी लगाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैश कहीं भी लगाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल यही है कि अगर आपने कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स लगाया, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट इसके आगे पीछे शुरू करते हो तो इन्वर्टेड कॉमा में उसको डालना होगा, राइट? उसके बाद अगर आप जीरो हैश नहीं डालते हैं तो सिर्फ वही दिखेगा, अगर जीरो डालते हैं तो जितना जीरो डालेंगे उतना डिजिट को मेंटेन करेगा। अगर 3 जीरो डाला तो ये 3 डिजिट को मेंटेन रखेगा, अगर हम डिजिट कम टाइप करेंगे तो उतनी जीरो आगे लगा देगा,
ज्यादा टाइप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके हैश में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 3 हैश दीजिए 30 हैश दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो आपका जो टाइप करेंगे वही शो करेगा। अब बात करते यहां पे मैंने दिया तो मेरी मर्जी है, मैं दे सकता हूं, ठीक है ना। यहां पे 0 कर दिया तो डिजिट मेंटेन करेगा नहीं, हैश कर सकता हूं। तो कहां पे क्या दिया उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हैश लगा है तो जस्ट नंबर शो करेगा जो टाइप किया हुआ है, 0 लगा है तो जितना डिजिट का 0 है उतना 0 मेंटेन करेगा। सिंपल सी बात, समझ गए। ओके, किसी को डाउट हैश और 0 में? नहीं सर। अब इसमें तीसरा जो आता है 0 का होता है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक और सेमी कॉलन लगाया और मैंने बोला यहाँ पे फ्री, ठीक है। मतलब अगर 0 होता है तो फ्री शो। और चौथा जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, मतलब किसी ने नंबर टाइप नहीं किया टेक्स्ट टाइप किया तो क्या हो, तो सेमी कॉलन लगाया और मैंने बोला कि टेक्स्ट के जगह पे शो करे n/a ने Not applicable. तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर प्लस में डाला तो MRP शो किया, माइनस में डाला तो A शो किया। अब 0 डालता हूं तो फ्री शो हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 0 शो नहीं कर रहा है, जस्ट फ्री शो कर रहा है, क्योंकि हमने फ्री के आगे ना 0 हैश कुछ नहीं लगाया, समझे। मुझे 0 शो करवाना है तो मुझे 0 लगाएंगे तब जाके 0 शो करेगा। अगर हम कोई टेक्स्ट डाल देते हैं तो एन ए शो कर रहा है, टेक्स्ट जो हमने टाइप किया वो शो नहीं करता है। अब नंबर्स के लिए तो 0 और हैश है, बट टेक्स्ट के लिए क्या हो, तो आपका आर्टिकल कहता है टेक्स्ट के लिए एट द रेट, क्या बोला है, एट द रेट। तो यहां पे आप एट द रेट कर देंगे तो फिर वो टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 4 जो पोजिशन है समझ में आया, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 एंड टेक्स्ट। किसी को कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ चलिए एक एग्जांपल इस पे आपको देते हैं जिससे बेटर समझो। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, मतलब औंठा लगाते हो या फिर कार्ड को पंच करते हो और आपका अटेंडेंस लग जाता है, राइट। अब आपके पास एक डेटा आया कि किसने कितना बार अपना कार्ड को पंच किया है, किसने कितना बार अपना कार्ड को पंच किया है, किसने। जैसे कि आप लोग ऑफिस जाते हैं तो अपना एक्सेस कार्ड लगाते हैं तो डोर ओपन होता है ना सर जी, तो कितना बार एक्सेस आपने एक्सेस कार्ड यूज किया उसका डेटा है। अब मुझे इसको अटेंडेंस में शो करना है, मतलब कि जहां 0 है मतलब कि उस दिन वो ऑफिस नहीं आया मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसने अपना एक्सेस कार्ड को यूज नहीं किया, जिसमें नंबर्स है इसका मतलब है कि उसने उतना बार एक्सेस कार्ड को यूज किया, एक्सेस कार्ड लेके आया तो ऑफिस आया ही होगा, या थंब या जो भी कर लीजिए आई। तो इसको हमें अटेंडेंस में पी प्रेजेंट और अब्सेंट में शो कर, तो एज पर माई आर्टिकल यहां मैं पी लिख दूंगा और इसके आगे मैं कोई नंबर हैश वगैरह ना डालू तो ऑटोमेटिकली वो पी को शो करेगा, हमारे इस नंबर्स को नहीं शो करेगा, क्या सर। बर फिर सेमी कोलन डाला तो पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव का, दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव का, पर निगेटिव की वैल्यू तो है ही नहीं, क्या माइनस की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास और होगी इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तीसरा पोजीशन जो होता है वो हमारा 0 का है क्योंकि ए डाल दिया, और चौथा करेक्टर का है तो करेक्टर भी नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है सब डालना लेकिन सीक्वेंस में आपको डालना है, ठीक है ना। जहां तक जरूरत है वहां तक डाल दिए, बाद बाकी को स्किप कर दिए। तो यहां पे मैंने ब्लैंक डाला इसलिए क्योंकि सिक्वेंस डालना है, इसलिए दूसरा पोजिशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली किसका होगा, निगेटिव का रहेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक में सेमीकोलन डालना पड़ा, ठीक है। अब मैं ओके प्रेस करता हूं, आप देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें नीचे जो है बता रहा है कि हम कलर भी दे सकते हैं, तो आप जैसे मैं चाहता हूं कि ग्रीन हो जाए, इसको रेड हो जाए हमारा जो अब्सेंट है, तो मैंने फॉर्मेट सेल पे गया और जो ए के आगे फॉर्मेट सेल पे गया और ए जो है
उसके आगे जो है मैंने इन्वर्ट बड़ी ब्रैकेट में रेड को लिख दिया, क्या लिख दिया, रेड रेड। अब क्या होगा कि अब जो जो ए होगा वो रेड हो जाएगा, हो गया। यस, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आपका आर्टिकल यही कहता है, बाद बाकी नॉर्मल है, बाद बाकी बोल रहा है कि जितने भी आपके सिंबल्स है विदाउट कोटेशन मार्क को आप यूज कर सकते हो, तो कोटेशन मार्क डालने की जरूरत नहीं है। और ये एडिटेड टेक्स्ट के लिए होता है और हैश और जीरो होता है, वो बताया इसने, हैश जीरो नंबर्स के लिए होता है। क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं, तो जो टाइप करेगा वही शो करेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा टाइप करूंगा और इस तरह का दिखे। हमने नंबर ए टाइप किया, हमने अगर इस कोड को यूज किया तो इस तरह की वैल्यू शो करेगी, इसके बारे में इसने बताया हुआ। अब कॉमा सेपरेटर की बात करें, जैसे कि आपने 12000 लिखा तो आपको कॉमा लगाना है, तो आप हैश कॉमा हैश हैश यूज करेंगे तो ठीक है। अब इसी में इसने बोला है कि 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अपने एक्सेल में 25,000 टाइप किया और यहाँ कस्टम में इन्वर्टेड कॉमा, माफ कीजिएगा, हमने हैश एक हैश दिया और यहाँ पे कॉमा लिख दिया, स्पेस मत दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हो, जैसे के या कुछ भी लिखना चाहते हो लिख दीजिए, आ जाए। इसी में अगर मान लीजिए नंबर ज्यादा बड़ा है तो इसमें आप ये लगा सकते हैं 0.000 और डबल कॉमा, तो ये आपका अमाउंट इन बिलियन में आ जाएगा, जो कि यहाँ बताया हुआ है कि अमाउंट इन बिलियन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि आप ऐसे डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कंडीशन कलर, कि मान लीजिए ये मैं अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी है, हम चाहते हैं जो 100 से ऊपर की क्वांटिटी है वो हमारा ग्रीन हो और 100 से नीचे की क्वांटिटी हमारा रेड हो। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंडीशंस, तो आप भी यहाँ पे सेम कंडीशन डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया कलर रेड, फिर दिया कंडीशंस, फिर सेमी कॉलन दिया कलर एंड दूसरी कंडीशंस, ऐसे तीसरी भी डाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 154 करूंगा ब्लू है और 770 किया तो रेड हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ बता रहा है कि ये तो नॉर्मली होता है, आपके पास बहुत सारा बहुत ज्यादा कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशंस है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, जो कि हमारी अगली क्लास की टॉपिक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। ओके सर, आप जैसे कि बताता है कि इस तरह के करेक्टर आपको टाइप करने हैं तो आपको ए शॉर्टकट यूज करना होगा नंबर की का। जैसे मान लीजिए मुझे ए चाहिए, यहां चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ 0165 टाइप करूंगा तो ए इस तरह का टाइप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो अल्ट की को होल्ड रखिए 0165, उसके बाद फिर अल्ट की को छोड़िए, आपका आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ, अल्ट की को प्रेस कीजिए 0163 आ गया। अल्ट को होल्ड रखना है, अल्ट छोड़ना नहीं है सर, अल्ट जब छोड़ेंगे तो कैरेक्टर शो करेगा। उसके बाद ये बताता है मंथली, कि मंथ में जब मंथली हमारी चलती है तो मंथ में कुछ इस तरह के होते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ मान लीजिए कोई डेट डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, अब मैं गया और कस्टम पे गया, अगर मैंने सिर्फ डी डाल दिया तो ये आएगा नंबर, यहाँ दिख रहा होगा आपको 25। अगर मैं दो बार डी दे दिया तो ये 012 को फॉर्मेट में आएगा, तीन बार डी डाला तो ये आएगा शॉर्ट फ्राइडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे शॉर्ट में आएगा, चार बार डाला तो ये आपका पूरा आएगा, ठीक है। फिर मैं वापस डी डाल देता हूँ स्लैश, यहाँ पे एम 0123 डबल एम 0123 ट्रिपल एम शॉर्ट फोर वन डबल फोर टाइम एम आपका दिखाएगा पूरा मार्च, और अगर फाइव टाइम करते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ आएगा, उसके बाद आप वाई 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 ईयर के लिए होता है।
तो इसको आप अपने हिसाब से किसी भी पैटर्न में लिख सकते हो कि पहले एमएम कर दे फिर डीडी कर दे, या पहले वाईवाई कर दे फिर डीडी फिर डीडी फिर डीडी फिर वाईआई एमएम, जैसे मर्जी स्लैश कॉमा डैश प्लस माइनस आप यूज कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। सर एक क्वेरी थी जस्ट, जो हम सिलेक्शन करेंगे मतलब रो और कॉलम उसके लिए वो एप्लीकेबल रहेगा राइट नो? जी जो सिलेक्टेड एरिया होगा वही एप्लीकेबल। हाँ और सपोज एक एच जैसे एच कॉलम है वो सिलेक्ट किया उस पे हमने एक फॉर्मेटिंग लगाया है कस्टम, तो उस समय उसमें दूसरा फॉर्मेटिंग नहीं लग सकता है ना? कस्टम फॉर्मेटिंग एक बार में ही लगेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कई सारे लगा सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, क्लियर है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था जी, जो अभी ये आप डिफरेंट कलर्स का जो आप बता रहे हैं ना क्वांटिटी 170 ब्लू रेड जो हो गया, तो ये आपने वहां वाले सेल से आपने कॉपी पेस्ट किया था? मतलब ये अगर मैं देखूं यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में रेड है फिर इज इक्वल, आप टाइप भी कर सकते हैं, मैंने छोप मैं टाइप बताने के लिए नहीं, हाँ जी 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 वो मैं समझ गई। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये सारे फॉर्मेट जैसे कॉमा लगेगी, जैसे हैश और जीरो का आपने बताया कि क्या डिफरेंस है कहाँ पे यूज है, तो वैसे जैसे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये सब प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाएगा ना, मतलब कि कहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जी सर जैसे कहाँ पे इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जी ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम था, तो जो कंसेप्ट है मैंने समझा दिया, जीरो हैज का कंसेप्ट था वो आपको समझा दिए, अमाउंट को कन्वर्ट करना सिखा दिए, कलरिंग वाला सिस्टम समझा दिया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और ये जो चीजें वो समझा दिया। आप प्रैक्टिस करेंगे यूज टू रहेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा, और ये चीजें यूजफुल है, आप ऑफिस में इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। जी ठीक है, प्रैक्टिस शीट है क्या सर आपके पास या फिर हमें खुद से ही बेसिक नंबर्स? अभी मैं भेजूंगा नहीं, पर फिलहाल तो आपको ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलना है। ओके आर्टिकल भेजा है। अब ऐसे तरह से आपका ये आपका टाइम का हो गया, फिर यहाँ पे आपका आवर का होता है कि एच एच एम एम एस एस, एम जो होता है मिनट के लिए, एच जो होता है आवर के लिए, और एस जो होता है सेकेंड के लिए होता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट एच में है, बड़ी ब्रैकेट एम है और नीचे बड़ी ब्रैकेट एस है। ये होता है आपको जब देखिए आवर के लिए कब यूज करते हैं, जब मोर देन 24 आवर होता है, या मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 45 घंटे 20 मिनट 30 सेकेंड हमने किसी का निकाला होगा, राइट, किसी ओवर टाइम निकाला होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब इसको आप फॉर्मेटिंग में जाते हैं और टाइम फॉर्मेट में जाते हैं, कोई टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको 24 आवर से ज्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप टाइम फॉर्मेट में, अभी यहाँ पे आपको कोई दिख नहीं रहा है तो कस्टम पे आप जाएंगे, क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में एच को डालेंगे और फिर एम एम और एस एस, ये आपका आ जाएगा। आ गया, देखिए मुझे इसको 45 मिनट को 45 घंटे 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एम को रख दीजिए, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको आप जो है एस डालिए और ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको आर्टिकल में समझाया हुआ है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब मैंने आपको जो है कस्टम फॉर्मेटिंग की जो बेसिक चीज है, मतलब बेसिक और एडवांस चीज थी, दोनों मैंने आपको बता दिए,